आप जब तक अपने इस शहर को नहीं अपनाओगे, कोई शहर आपको नहीं अपनाएगा। पहले यहाँ आने के लिए मैंने इस शहर को अपनाया, इस शहर को अपना माना, बॉम्बे को अपना माना, आज बॉम्बे मुझे अपना मान रहा है। अबे के अंदर आज कितना दिल्ली वालों को बात करें, दिल्ली कितनी समाई हुई, दिल्ली आज भी समाई हुई, क्योंकि मेरी वहाँ की पैदाइश है, मैं पढ़ा लिखा वहीं का हूँ, वहीं पढ़ा हुआ, अपनी जिंदगी के 40 साल मैंने दिल्ली में गुजारे हैं। तो दिल्ली इतनी जल्दी तो मेरे दिल से नहीं जाने वाली, दिल्ली की यादें बहुत सी यादें हैं। जब कभी दिल्ली जाता हूँ तो पुराना सर्कल इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ कि चलो एक दिन सारे मिल जाएंगे, पुरानी बातें करेंगे, पुराने तरीके से बैठेंगे, उठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो वो सब मस्ती करने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन वो मौका अब बहुत कम मिल पाता है। अभी कभी होता है कि साल डेढ़ साल में एक आध बार कभी चले गए तो चले गए, या शूटिंग पे जाते हैं तो वो 3-4 दिन, क्योंकि हम शूटिंग पे होते हैं तो वो मौज मस्ती नहीं कर पाते। लेकिन दिल्ली आज भी मेरे दिल में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। उसी से पता लगता है कि आप आज कामयाब हुए हैं। आज कहीं कहीं मिस्टर अय्यर के नाम से बुलाते हैं, कहीं कहीं लोग मुझे कहते हैं कि इशिता के पापा अप्पा, कहीं कहीं मुझे ये भी सुनने को मिला कि अपने रमन भल्ला के ससुर। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स रहती हैं मेरे लिए, और रास्ते में जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं, लोग बात करते हैं, रुकते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। तो एक आर्टिस्ट यही सब चीज़ें चाहता है, और जो मुझे बहुत आई एम हैप्पी। कैसी केमिस्ट्री रहती है आपकी सर के ऊपर? रमन थोड़ा सा रूडली कह सकते हैं, थोड़ा सा नहीं, मैं उसे रूडली कहूँगा। करण रूड तो बहुत कम होता है, लेकिन उसके रूड होने की वजह होती है। ऐसे नहीं कि हर एक पे नाराज हो गया, और बहुत ही चुलबुला इंसान है वो। सेट पे हंसी मजाक करना, मस्ती करना उसकी नेचर है, जो नेचर मुझे बहुत पसंद आई कि वाकई सेट पे अगर मेन लीड कर रहा है वो, अगर अपने को एक्टर्स के साथ अच्छी तरह प्यार मोहब्बत करता है तो नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया और बात ही नहीं हो सकती कोई। बहुत सिंपल है, सीधा साधा जीवन है, वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, और वही कहते हैं जैसे 2 वक्त या 3 वक्त का खाना खाना, कोई फालतू वो नहीं, कहीं ज़्यादा घूमना फिरना नहीं। फिल्में देखने का शौक है, जो मुझे सीरियल देखने का भी शौक है। मैं घर पे अगर होता हूँ तो मैं घर पे अपने टीवी सीरियल ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मेरे आसपास और क्या चल रहा है, कैसे सीरियल चल रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है। बात करने के लिए अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे, आपका आशीर्वाद मिले, आप मिले, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। अरे बाहर मत चलना, तीनों उठाना यार, बस हो गया। पानी दे तेरी माँ को। तो आज जो हुआ ना,